पिथौरागढ़ जिले में चीन सीमा से लगे आदि कैलाश मंदिर के कपाट आगामी 10 मई को विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। इसके लिए मंदिर के पुजारियों समेत कूटी गांव के लोगों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि धार्मिक मान्यता और विधि विधान के साथ कपाट खुलने के बाद लोग आदि कैलाश मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन कर सकेंगे। आपको बता दें, बीते वर्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आदि कैलाश की यात्रा कर दर्शन किए थे, जिसके बाद से देश दुनिया के लोगों में आदि कैलाश के प्रति रुझान बढ़ा है। हर साल शीतकाल में बर्फबारी के बाद मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं और ग्रीष्मकाल में धार्मिक अनुष्ठान के साथ दर्शन के लिए कपाट खोले जाते हैं। 5 तारीख को सबसे पहले 5 तारीख को हमारे चारों तरफ दर्शन लगाएंगे। दर्शन का मतलब झंडा लगाएंगे, पूजा पाठ विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद, क्योंकि चारों तरफ लगाने से क्या होता है कि सबका रख रखाव, ठीक है, देख रेख, सबका कुशल मंगल, उसके लिए लगाते हैं हम लोग। इस पूजा होने के बाद 10 तारीख को ज्वलिंगों का कपाट खुलेगा आदि कैलाश का, जिसमें विधि विधान से पूजा पाठ होगी। सारे गांव जाकर वहां पे 10 तारीख को खोला जाएगा। उसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री आने के बाद, क्योंकि हमारे क्षेत्र में काफ़ी यात्राएं बढ़ गई हैं, तो इस बार माइग्रेशन भी काफ़ी जल्दी चले गए हैं लोग बाग, क्योंकि उसकी तैयारी के चक्कर में, इसलिए तैयारी करने के चक्कर में चले गए हैं हम।